अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टोरी बाय आसिफ। दोस्तों, मुल्तान की दूसरी वीडियो में आज हम आपको लेकर आए हैं शाहरुख ने आलम के दरबार पर। तो चलें, आपको शाहरुख ने आलम लेकर चलते हैं। ये मेरे सामने खूबसूरत गुंबद मुल्तान की बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत शाहरुख ने आलम। यहाँ से एंटर होंगे, आप देख सकते हैं कि गर्मी होने के बावजूद बहुत ही रश है। ये दरबार का अंदरूनी गेट, यहाँ सबसे पहले जूते जमा कराए जाएंगे, फिर जूता 10 रुपए लेंगे। जूता जमा कराने के बाद हम दरगाह के अंदर दाखिल हो चुके हैं। दरगाह का जो अहाता है वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं। दरगाह की राइट तरफ बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है। और इसकी लेफ्ट की तरफ ये एक चबूतरा नुमा इमारत बनी आई गई है जिसके ऊपर दो कब्रें हैं। यहाँ से हम दरबार के अंदर दाखिल होंगे। दरबार में अंदर दाखिल होने से पहले लंगर के लिए एक बॉक्स बनाया गया है। अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर से घूम कर आते हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के दरबार के और अंदरूनी मंजर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज़ायरीन का रश है जिसमें औरतें और मर्द हज़रात शामिल हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर दरख्तों के ऊपर लोगों ने ये देखें, ये शापर बांधे हुए हैं, कपड़े बांधे हुए हैं, टाकियाँ बांधी हुई हैं। मेरे ख़्याल से ये भी मन्नत का एक तरीका है कि लोग यहाँ पर दरख्तों के पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर ये शापर बांध के जाते हैं, डोरी बांध के जाते हैं। शायद कि उनका एक अकीदा है कि ऐसा करने से उनकी मुराद पूरी हो जाती है। दोस्तों, शाहरुख ने आलम के मज़ार पर मुझे यहाँ एक बुज़ुर्ग मिले हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मुझे एक चीज़ का पता चला, शायद आप में से बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा। ये मैं आपको ये निशान दिखा रहा हूँ, ये दरबार के बिल्कुल बैक साइड में दीवार के साथ लगा हुआ है। ये वही निशान है, कहा जाता है कि अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं जिनके बाल झड़ते हों, दाढ़ी ना आती हो, या उनके वो सर की किसी बीमारी हो, तो यहाँ पर आकर वो अपना सर लगाते हैं। ये जगह पर, इस जगह पर लगाने से उनके बाल झड़ना रुक जाते हैं, नए बाल आ जाते हैं और दाढ़ी के बाल भी आ जाते हैं। ये इनका कोई मौजज़ा समझ लें, अल्लाह की करम नवाजी समझ लें, जो भी है। जो बात एक मुझे मिली इसके बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर फरमा रहा हूँ। दोस्तों, ये शाहरुख ने आलम दरबार का कदीमी दरवाज़ा, लकड़ी का ये दरवाज़ा है और संध्यान की लकड़ी यूज़ हुई है। और इस दरबार के साथ ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। दोस्तों, इस रूहानी बुज़ुर्ग के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, एक वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो वाक़या कुछ इस तरह है कि कहा जाता है कि शाहरुख ने आलम, आप सरकार की जो कब्र मुबारक थी, आपके बाप और दादा के कदमों की तरफ थी। एक उर्तगल बादशाह गुज़रा है जिसको ये बिशारत हुई कि वो जाएं और आप सरकार की जो
जसदे खाकी है निकाल कर यहाँ पर दफन करें। असल में ये जो जगह है, ये जो आप दरबार देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उस उर्तगल बादशाह ने अपने लिए तमीर करवाया था। जब उसे ख्वाब में बिशारत हुई तो उन्होंने आप सरकार की जो जसदे खाकी है वहाँ से निकाला। निकालने के बाद यहाँ पर जब लेकर आए तो उन्होंने देखा कि 50 साल गुजरने के बावजूद भी आपका ये जो जसदे खाकी है बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। ये भी एक अल्लाह के वलियों और पैगंबरों की करामत होती है जो मैंने आपके साथ शेयर की। और मेरे साथ ये जो स्टोरी है, ये कहानी है, ये बात है, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे ये शेयर की। अभी दोस्तों शाहरुख ने आलम दरबार की ज़्यारत करने के बाद हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। जिस गेट से हम एंटर हुए थे वही गेट की तरफ हम वापस आएंगे। आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारे जूते रखे गए हैं, हम अपने जूते वहाँ से वसूल करने के बाद गेट से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों अभी हमने शाहरुख ने आलम, जो मुल्तान के बहुत ही रूहानी बुज़ुर्ग थे, उनके दरबार की ज़्यारत की। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है आवुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दरबार के ऊपर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी आने वाली जो मुल्तान सीरीज़ की तीसरी वीडियो है उसका इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। दुआओं में याद रखें और देखते रहें स्टोरी बाय आसिफ।